हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि दुबे फ्रॉम SKLGD पब्लिक स्कूल से आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर काव्यखंड का सूरदास जी के पद दूसरा स्टेंजा पढ़ाऊंगी। दूसरा स्टेंजा है हमारा, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही, अब दी आधार आसे आवन की तन मन व्यथा सही, अब इन जोग सदेशन सुन सुन विरहन विरह दही, जात चाहत हुती गुहार जितते उतते धार वही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा न लही। क्या कहते हैं सूरदास जी? कहते हैं मन की मन ही माज रही। जब उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, योग का संदेश लेकर आते हैं, तो गोपियां उनको उलाहना देते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? मन की मन ही माज रही, हमारे मन की बात मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उदो ना ही परत कही, अब हम अपने मन की व्यथा मन की कथा अपने मन का दुख किन पे कहें, किन से बात करें, कहिए जाए कौन पे उदो ना ही परत कही, अब हम अपने मन की जो भावनाएं हैं वो कैसे व्यक्त करें, किससे कहें, अब दी आधार आस यावन की तन मन व्यथा सही, एक उम्मीद थी एक समय था कि इतने दिनों में कृष्ण वापस आ जाएंगे, इसलिए हम अपना जीवन जी रही थी, तन मन व्यथा सही, हमने अपने सारे कष्ट सहे, तन के भी मन के भी सभी दुख सहे, बस इसी आस में कि एक दिन कृष्ण हमारे पास वापस आ जाएंगे, अब इन जोग सदेशन सुन सुन विरहन विरह दही, अब तुम जो जोग का संदेश और लेकर आए हो हमारे लिए, इससे हमारे सब्र का बांध टूट गया है, इससे हमें और भी अधिक दुख हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, जो तुम हमें कृष्ण की जगह इन योग का संदेश लेकर आए हो, जो तुम हमसे कहते हो कि योग का संदेश कि ऐसे ब्रह्मा की ऐसे प्रभु की उपासना करो जिसका कोई रंग रूप नहीं है, हम कैसे ये बर्दाश्त करें, चाहत हुती गुहार जितते उतते धार वही, हमें जिधर जाना होता है उधर से ही हमारे लिए धार बह जाती है, उधर से ही हमारे लिए तुम ऐसा संदेश, हम जहाँ जाना चाह रही थी कृष्ण से मिलने के लिए, तुम हमारे लिए वहीं से योग का संदेश लेकर आए हो, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जाता न ले, ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने सभी मर्यादाओं को लांग लिया है, हम कैसे धीर धरे, जो सूरदास जी कहते हैं गोपियों इतने दुखी हो जाती हैं और कहती हैं लगता है अब श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाओं को लांग लिया है, अब हम कैसे धीरज धरेंगे।